चीन की ओर से अमेरिका को लगातार युद्ध की घीघड़ भभकी दी जा रही है। लगातार चीन अमेरिका को उकसा रहा है। दरअसल चीन को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि अमेरिकी दूत ने ताइवान का दौरा कर लिया, जो पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ। अगर वो अब हो रहा है तो इससे चीन को लग रही है मिर्ची, और इसीलिए वो ये कह रहा है कि भैया अब तो ताइवान पर कब्जा करके ही दम लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी खुला चैलेंज कर दिया है, खुला यहाँ पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर जरा भी हिमाकत की तो चीन की बोलती बंद कर देंगे। सिर्फ 3 कदम दूर तीसरा विश्व युद्ध। चीन का युद्ध का खुला चैलेंज, अमेरिका करेगा गेम चेंज। आगे बढ़ा ड्रैगन, करेगा ताइवान का टेक ओवर। अमेरिका का ऐलान, अब चीन का गेम ओवर। ताइवान की खाड़ी में सबसे बड़े संग्राम का ट्रेलर, आग बबूला अमेरिका, आर पार के तेवर। आसमान में उड़े जिनपिंग के फाइटर जेट, ट्रंप ने सेट कर दिया चीनी टारगेट। चारों तरफ से ताइवान को घेरने चला चीन, अमेरिकी बॉम्बर दिखाएंगे तबाही का सीन। चीन ने कहा आग से खेल रहा है अमेरिका, हम खेल खत्म कर देंगे। अमेरिका का पलटवार, तबाही को न्योता दे रहा है चीन, आगे बढ़ा तो बोलती बंद कर देंगे। अब किसी भी वक्त यहां महासंग्राम का आगाज हो सकता है, चीन का पूरा बेड़ा तबाह हो सकता है। ताइवान स्ट्रेट में ये आर पार पलटवार का माहौल अमेरिका के दूत कीथ क्रेज के ताइवान दौरे की वजह से बना है। कीथ क्रेच अमेरिका के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं। 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की इन तस्वीरों ने चीन को आपे से बाहर कर दिया। ट्रंप के दूत का ताइवान दौरा चीन को इतना चुभा कि उसने सीधा ऐलान कर दिया कि अब ताइवान पर कब्जा कर दम लेंगे, टेक ओवर किए बिना रुकेंगे नहीं। चीन के नेता कुछ और कहते हैं, चीन के डिप्लोमेट्स कुछ और कहते हैं, चीन के फौजी अफसर कुछ और कहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि झूठ बोलना चीन का डीएनए है। मोर्चा सज चुका है, चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान की खाड़ी की मिडिल लाइन लांग दी है।
ये ताइवान को बचाने यहाँ डटे अमेरिका के लिए खुली चुनौती है। चीनी जहाज ताइवान की खाड़ी की मिडिल लाइन पार कर आगे तक उड़ान भर आए। चौबीस घंटे के भीतर 19 चीनी जहाजों ने ताइवान को खुला चैलेंज दिया। चीन के 12 J-16, 2 J-10 फाइटर जेट, 2 J-11 जेट, 2 H-6 बॉम्बर्स और 1 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ने ताइवान की हवाई सीमा लांघ दी है। इसके बाद ताइवान के F-16 फाइटर जेट्स भी आसमान में उतर आए, कुछ चीनी जहाजों को पीछे धकेल दिया तो कुछ खुद लौट गए। ऐसा दशकों बाद पहली बार हुआ है, इसलिए ताइवान के मोर्चे पर महासंग्राम की आहट साफ सुनाई दे रही है। ताइवान के दक्षिण पश्चिम की हवाई सीमा को चीनी जहाज लगातार लांघ रहे हैं। चीन पहले से ही ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत और घातक बॉम्बर्स के साथ प्रचंड प्रहार के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन बार बार दोहरा रहा है कि ताइवान को चारों तरफ से वो घेर चुका है और अब कब्जे का रिहर्सल भी शुरू है। चीन जब तक ताइवान की खाड़ी के मिडिल लाइन तक मंडरा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अपने ऐलान के मुताबिक अगर ड्रैगन से एक कदम आगे बढ़कर ताइवान के आसमान तक पहुंचा तो फिर समझ लीजिए उसी वक्त चीन और अमेरिका के बीच आर पार की जंग शुरू हो जाएगी। डर है कि इससे तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर उधर आपको बता दें कि ताइवान के राष्ट्रपति की ओर से बेखुला ऐलान कर दिया गया है कि हर कदम उठाने को तैयार हैं। चीनी फाइटर जेट की चुनौती के बीच अमेरिकी दूतों के साथ एक लंबी मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद ये कहा गया कि ताइवान और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। चीन ने धमकी दे रखी है कि ताइवान अमेरिका से कोई समझौता ना करे। चीन का दावा है कि शनिवार को फिर से 19 बॉम्बर जेट्स ने उड़ान भरी है। चीन ने ताइवान को फिर से सीधी धमकी दी है कि अंजाम के लिए तैयार रहे। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।